आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आपके जीमेल आईडी से नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, आपकी जीमेल नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए आपको बताते कैसे आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल आईडी को यहाँ से ओपन करना होगा। तो जीमेल आईडी को हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से आइकन का फोटो देख सकते हैं, इस वाले आइकन वाले पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि कौन सी हमारी ईमेल आईडी है जिसमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। कभी क्या होता है कि आप गलत ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते हो, इसके कारण यहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आता। अगर आपकी जीमेल आईडी सही है तो आइए आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन देख सकते हैं, 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए 3 डॉट वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्वाइप करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के आपको वही जीमेल आईडी सेलेक्ट करनी है जिस पे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो इसी ईमेल आईडी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यदि आपका दोनों में से यदि आपका कोई सेलेक्ट होगा तो आपकी जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आइए बताते हैं आपको क्या करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इनबॉक्स नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर जाना है। आपको यहाँ पर सिंस मैसेज का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कह रहा है कि आप मैसेज कितने दिन तक अपने मैसेज को रिकवरी कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हैं 30 दिन से पहले हम कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ऑल टाइम हम रिकवरी कर सकते हैं, तो आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, लेबल नोटिफिकेशन, यदि आपका ये ऑफ होगा तो भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको इसे ऑन कर देना है। इसके बाद नोटी फॉर एवरी मैसेज, तो यहां पर कह रहा है कि यदि आपको मैसेज कोई आएगा तो साउंड आएगा, तो आपको यहां से इसे ऑन कर देना है। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपकी नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आइए आपको बताते हैं आपको क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल को सेटिंग को ओपन करना होगा। तो चलिए अपने मोबाइल को हम यहां पर सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहां पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप अदर कंपनी की मोबाइल यूज करते हो तो हमें कुछ ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। हम रेडमी के मोबाइल यूज करते हैं, तो नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जीमेल को आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जीमेल को देखिए हमने यहाँ पर सर्च कर दिया। यदि आपका ये ऑप्शन ऑफ होगा तो इसके कारण भी आपकी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपकी नोटिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।